बाद में पता चला कि पानी में से बकरी की लेंडी की खुशबू आ रही। प्यार की राह में चलना मॉनसून में, क्योंकि और भी ज्यादा मतलब ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी, हरियाली देखने को मिलेगी। समझ रहे हो ना, बहुत बढ़िया। आपला मौल्यवान कचरा आपला सोबतच घेऊन जा। काही मतलब ऐसे बोर्ड सिर्फ पुणे में देखने को मिलते भाई। तो एक्चुअली वो नॉर्म्स वगैरह अपने इंडिया में जितने भी गाड़ियां आपको दिख रहे हैं रस्ते पे चलते हुए, अगर इनका ठप्पा नहीं लगता है तो ये कोई भी एक गाड़ी भी नहीं चल सकता है अपने इंडिया में। हाय हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सबका और एक नए व्लॉग में। तो मैं आज जा रहा हूँ अराई हिल, तो ये कोथरूड में आता है और मेरी एग्जाम खत्म हो गई और बहुत टाइम बाद मतलब एक दो महीनों के बाद में कैमरा उठाया व्लॉग करने के लिए, वो भी फुल ट्राईपॉड के साथ। तो काफी अच्छा लग रहा है वापस आके। तो मेरा जो दोस्त है अक्षय, वो आने वाला है मुझे लेने के लिए। एक्चुअली उसने नई बाइक खरीदी है और मतलब दो तीन महीने पहले उसने मेरे को लेके गया था बाइक बुक करने के लिए, पर उस टाइम पे कुछ हुई नहीं बुक बाइक। और उसने मेरे को बताया था कि मैं ये बाइक लेने वाला हूँ और उसने ले भी ली थी थोड़े टाइम बाद, तो वो वही बाइक लेके आ रहा है। तो हम उसी बाइक पे जाने वाले हैं, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और इस हिल को अराई हिल भी बोलते हैं, MIT हिल भी बोलते हैं और वेतार हिल भी बोलते हैं। तो इतने सारे नाम क्यों है और उनका मीनिंग क्या है, तो मैं ये सारी चीजें व्लॉग के आगे बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के इस व्लॉग को शुरू करते हैं। वैसे मैं अपना जो व्लॉग करते समय चश्मा पहनता हूँ वो पहनना ही भूल गया था, तो ये है। तो ये है चश्मा मेरा, पता नहीं क्यों पर मैं इस चश्मे में अलग ही दिखता हूँ, तो ये मेरा फेवरेट चश्मा है। इसलिए कोई जो इम्पोर्टेंट ओकेजन रहते हैं ना, जैसे कि मैं व्लॉग करता हूँ या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट फंक्शन में जाता हूँ, प्रोग्राम में जाता हूँ, तो ये चश्मा पहन के जाता हूँ। तो अभी वो वेट कर रहा है, आ गया वो नीचे अक्षय, तो फटाक से चलते नीचे। टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है सर। सब बढ़िया, बहुत दिनों बाद भाई। ये रहे हमारे अक्षय भाई। हेलो गाइस, हेलो नमस्कार। बहुत दिनों बाद मिले। बहुत दिनों के बाद मैं खुद हाथ में कैमरा पकड़ा हूँ बहुत दिनों के बाद। वही मैं इनको वही बोला इसीलिए कि टाइगर जिंदा है अभी भी। इन्होंने बीच में 12 बजे कुछ तो पोस्ट डाली थी। आदिवासी जैसे क्यों दिख रहा है मुझे? मैं बाहर धोके आया ना इसीलिए। बाल धोके आया, दाढ़ी इधर ऐसे छोड़े लाए। बाइक तो दिखाओ। तो ये रही बाइक भाई, कौन सी मतलब पल्सर, कौन सी मॉडल? NS125। मतलब मेरे को कुछ पता नहीं बाइक के बारे में। नाम सुन के अच्छा, पल्सर NS125 है, नाम सुन के अच्छा लग रहा है। अच्छा, मेरे को बैठेगा ना, तेरे को झटके में मजा आएगा। मेरे को एक राइड चाहिए इसमें। अरे लेना भाई, तेरी गाड़ी है, अपनी गाड़ी है। अपने गाड़ी को कभी मांग के नहीं लिया जाता है, डायरेक्ट चाबी देने का और भाग जाने का। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। और वैसे मतलब मैं कभी ये बाइक चलाई नहीं, एक्सीडेंट के बाद पहली बार चलाने वाला हूँ। अरे तो चलाना भाई बिंदास। तो अगर गिर भी गई तो तेरी बाइक होगी पहले। नहीं गिरेगी, यहाँ पे साइड पे डाल के रखा है मैंने। गिरी तेरे जैसे गिरेंगे मुझे पता है। अभी तो मेरे को ऐसा फील आ रहा है हेलमेट पहन के कि भाई हम अभी लद्दाख जा रहे हैं। चलो गाइस, लद्दाख भी एक दिन जाएंगे जरूर, बट उसके लिए थोड़ा सा पैनियर वगैरह लगाना पड़ेगा। कपड़े किधर रखेंगे तू? हाँ रे वो भी है। तो दिव्या, हम लोग गाइस दिव्या घर का प्लान बना सकते हैं, वो ऑफ द कैमरा बताएंगे इसको मैं क्या करेंगे अपन। तो उसकी जल्दी वीडियो आ भी सकते है, नहीं भी आ सकते। देख अभी तू कैमरे के सामने बोल रहा है। अरे कैमरे के सामने बोल रहा हूँ भाई, हम लोग जा रहे हैं दिव्या घर, वो ऑफ द कैमरा डिस्कस होएगा और जल्दी आपको वीडियोस आएंगे उसके। ठीक है चलो। अगर पीठ पे खंजीर खुपसा एकदम एंड मूवमेंट पे तो नहीं, ये क्लिप तेरे को ये वाला क्लिप डाल देना। हाँ। It's been a while since I've seen your face.
तो हम पहुंच चुके फाइनली। तो आप यहाँ पर पीछे देख सकते हो, तो वो है अराई कंपनी और अराई का फुल फॉर्म लिखा है ऑटोमेटिव रिसर्च और क्या है रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये है फुल फॉर्म अराई का, तो बेसिकली वो कंपनी है। और थोड़ा आगे जाके वो यहाँ पर पीछे पार्किंग है, तो हमने मैं आपको दिखा तो कहाँ पर हमने पार्किंग की है। तो यहाँ पर एक पार्किंग है और सीधा 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 वो कंपनी में जाता है और हमने गाड़ी थोड़ा आगे पार्क की, आपको दिखाता हूँ। और वो मेन एंट्री है जो अराई हिल का पूरा जो एरिया है, तो वो देखो हमने वहाँ पर बाइक पार्क की है और यहाँ पर कोई तो फोटोशूट चालू है। तो हम जैसे ही एंटर किए तो हमें ये काइंड ऑफ पुनेरी पार्टी दिख गई। आपला मौल्यवान कचरा आपला सोबतच घेऊन जा क्या ही मतलब, ऐसे ऐसे बोर्ड सिर्फ पुणे में देखने को मिलते भाई। तो इधर पूरा प्ले एरिया है और पूरा जंगल सूख सूख गया है। अभी बारिश का सीजन है फिर भी सूखा है भाई। मेरे को लगा थोड़ा ऐसे हरियाली देगी बहुत, नहीं है ना भाई थोड़ा अंदर जाएंगे तो होगी और भी हरियाली। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। तो अभी जब हम आ रहे थे ना, तो हमें वो दूरदर्शन का बोर्ड दिखा, मतलब यहाँ पर दूरदर्शन का ऑफिस है। तो यहाँ पर ना मतलब पुराने समय में दूरदर्शन पे विक्रम वेताल करके एक सीरियल आता था, अगर अपने बचपन में भी सुनी होगी विक्रम वेताल की कहानी। तो वहाँ पर एक राजा रहता है, तो वो जब जंगल से गुजरता है ना, तो वो एक भूत आता है उसकी पीठ पे बैठता है ऐसे पीछे। तो वो जो शूटिंग थी ना, वो मतलब राजा जंगल से जा रहा है और बेताल पीठ पे बैठ रहा है, तो वो जो शूटिंग होती थी ना वो इस जंगल में होती थी, तो इसीलिए इसको बेताल टेकड़ी के नाम से जाना गया। तो इसको अराई टेकड़ी भी बोलते हैं क्योंकि अराई कंपनी के बाजू में है इसीलिए अराई। और MIT टेकड़ी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि MIT कॉलेज MIT VPU करके कॉलेज है, तो वो भी पास में ही है इस जगह के, तो इसीलिए इस जगह को तीन नाम से जाने जाते हैं। और एक कोई जो नाम था ना विट्ठल टेकड़ी भी बोलते क्योंकि इस हिल के टॉप पे विट्ठल मंदिर है। अभी किधर है वो मंदिर वो ढूंढते, पर ऐसे चार नाम है इस हिल के, तो वही बताना था। और भाई बहुत जोर से हवा चालू हो गई है और यहाँ पर एक पीछे बड़ा सा लेक है, तो अभी हम यही उसके मतलब ऐसे पूरा जो लेक है वो ऐसे घूम के नीचे जाने वाले हैं। तो अभी नीचे मतलब अभी हम असेंड करने वाले हैं ऐसे नीचे। मेरे को तो लगता है भाई ये जो चार नाम बोले ना, ये पूरा एरिया ही चार से डिवाइड किया है। ये साइड को ARAI है बराबर, हाँ। और ऐसे सामने गए तो MIT है, हाँ। वहाँ पे टॉप पे गए तो MIT का कॉलेज दिखता है एक्चुअली। किधर जा और किधर टॉप पे? वो मैं उधर जा, अपन जब पार्किंग लगाए थे, हाँ, पार्किंग हाँ। जिधर अपना गाड़ी फेस किया था, अपने NGO से मिले अपन वहाँ पे, हाँ। नेशनल ज्योग्राफी वाला, तो वो साइड को MIT का ग्राउंड है, पूरा कॉलेज दिखता है वहाँ से। तो हो सकता है कि वो MIT का एरिया हो गया। झंडा देख, झंडा वो विठल मंदिर है आपको दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं। तो वो देखो वहाँ पर एक भगवा झंडा है, तो शायद से वहाँ पर रहेगा मंदिर। तो अभी हम जाते हैं नीचे। तो अभी मैंने कैप पहन ली क्योंकि भाई बहुत जोर जोर से हवा चल रही थी और क्योंकि बाल बड़ा है तो इसलिए मतलब पूरा मेसी हो जा रहा है मेरा, तो इसीलिए कैप पहन ली। और भाई ये जो आप लेक देख सकते हो ना, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा लेक ही है। और महाराष्ट्र में एक लेक है लोनार लेक करके, तो वो जो लेक है ना वो कैसे फॉर्म हुआ था, तो बेसिकली वहाँ पर एक कुछ सालों पहले मतलब 100-200 साल पहले मीटियोर गिरा था, और जो मीटियोर गिरा था ना जहाँ पर, तो उस जगह की वजह से एक वो लेक तैयार हो गया। और जब भी मानसून सीजन होता है तो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पानी इसमें रहता रहेगा लेवल। तो अभी मानसून सीजन ही है पर बारिश बहुत ही कम गिरी है, इसीलिए इतना पानी नहीं है, पर ठीक ठाक पानी है। मुझे लगा था कि हमको पानी भी देखने को नहीं मिलेगा, पर होपफुली देखने को मिल गया है। तो मराठी में तो इसको टेकड़ी बोलते हैं, पर इंग्लिश में इसको हिल टॉप बोलते हैं या फिर हिलॉक बोलते हैं। और मैंने ऐसा पढ़ा है, एक आर्टिकल पे पढ़ा है कि पुणे का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ये, मतलब पूरा पुणे का सिटी व्यू दिखता है। तो ARAI जो यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इंडस्ट्री है,
तो एक्चुअली वो नॉर्म्स वगैरह आपने इंडिया में जितने भी गाड़ियाँ आपको दिख रहे हैं रस्ते पे चलते हुए, अगर इनका ठप्पा नहीं लगता है तो ये कोई भी एक गाड़ी भी नहीं चल सकता है अपने इंडिया में। तो जब भी मैन्युफैक्चर होता है गाड़ी का तो पहले यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से ठप्पा लगने के बाद ये लोग बेच सकते हैं गाड़ी को मैन्युफैक्चरिंग के लिए ना। हाँ नहीं, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद पहली गाड़ी यहाँ पे बेचते हैं टेस्ट के लिए। यहाँ पे जो भी ऑफ रोडिंग ट्रैक्स हो गया और हाईवेज हो गया सब R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो यहाँ पे अपन ने स्टार्टिंग में देखा वीडियो के, तो वहाँ पे सब होता है टेस्टिंग, फिर वहाँ से सैंक्शन करके इनको भेजा जाता है कंपनी में, आप प्रोडक्शन कर सकते हो। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। का Between you and I, there's always love we hide, but it's always when you. हमारा फुल पोपट हो गया है, वो पूरा हमें ऐसे गोल घूम के ऐसे नीचे जाना है, और हमें लग रहा था यहाँ ऐसे नीचे रास्ता है, पूरा अभी वापस घूमना पड़ेगा यार। आज पूरे कैलोरीज बर्न होने वाले और हम दोनों का पेट भी अंदर जाने वाला है। पेट अंदर होएंगे, फिर से हम लोग इंटेक करने वाले। भाई कुत्ते काटे तो कितना इंजेक्शन लगता है। प्यार की राह में चलना सीख, प्यार की राह में चलना सीख, इश्क की चाह में। पर दोनों भी लड़के हैं, दोनों भी लड़के हैं, कुत्ती लड़की है। अरे भाई तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। ओ तो फाइनली हमें वो नीचे जाने का रास्ता मिल गया भाई, और अभी मेरे पैरों ने जो अब देना शुरू कर दिया है पूरा, मतलब ऑफ रोड है ना इसकी वजह से, देखो नीचे डायरेक्ट वो पानी की तरफ जाता है। तो अभी हम ऐसे जो भी लेके उसके पास में बैठे, और यहाँ पर मैं ट्राइपॉड लगा दे रहा हूँ, शायद से यहाँ से ही अभी सनसेट का टाइम लैप्स ले गए, और भाई बहुत ज़्यादा थक गए। यहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं, मतलब खाना पानी कुछ नहीं अवेलेबल है, जो भी लाना है घर से लाओ क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। अरे देखो ये भाई तो पानी भूल गए थे, वो अच्छा हुआ कि मैंने बड़ी बॉटल ली, मैं तो मैं भी छोटी बॉटल लाने वाला था। गाइस पानी लेके आए, वो भी आधा लेके आए। क्या बोला? नहीं नहीं मैंने पिया उधर कभी। तू ब्लॉक कर रहा था ना उधर पिया मैं। और वे गुरु देखो गाइस कैसा इंसान है, पानी भी ऑफर नहीं किया। अभी तू इतना दूर चला गया था, यहाँ से भर लेंगे ना पानी। बाद में पता चला कि पानी में से बकरी की लेंडी की खुशबू आ रही थी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। क्या क्या बोल रहा है भाई? अभी उधर बकरियां दिला बहुत सारी पानी के पास में ही है। भाई देखो ऐसा नहीं लग रहा कि मेरा मोबाइल ऐसे गिर जाएगा। हाँ भाई तो आराम से गिर जाएगा, जरा उसको स्ट्रेट करके आता हूँ। तो बेसिकली ये जो जगह है ना, मतलब मॉनसून में आने के लिए एकदम बेस्ट है, तो विंटर में भी आ सकते हो, वो भी काफ़ी बढ़िया टाइम है मॉनसून में, क्योंकि और भी ज़्यादा मतलब ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी, हरियाली देखने को मिलेगी। समझ रहे हो ना? बहुत बढ़िया राजा जी, अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। और मोस्टली आप ट्राई करना कि सुबह आओ, क्योंकि यहाँ से जो सनराइज है वो काफी मस्त देखने को मिलता है, और मोस्ट लोग सनराइज देखने के लिए आते हैं। अभी मैं आलसी हूँ थोड़ा, अक्षय ने मेरे को बोला था कि भाई सुबह ही चलते, पर मैं बोला कि भाई मेरी सुबह आँख नहीं खुलती, तो इसीलिए मैं बोला कि शाम को चलते। बाकी अगर आपको सुकून चाहिए ना, शांति चाहिए, या फिर आपको फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, या फिर काफी बढ़िया पिकनिक स्पॉट भी है, तो आप यहाँ पर जरूर आने का कंसीडर कर सकते हो। काफी काफी पीस मिलेगी आपको यहाँ पर, शांति शांति मिलेगी, मतलब शांति लड़की नहीं।
शांति शांति वर्ब बड़ा हरामी हो बेटा तो अभी हम जा रहे वापस पार्किंग में जिधर गाड़ी लगाई थी और उधर से वापस जाने वाले है कोथरूड मतलब मेन सिटी और वहां पर कौन सी मिसल है श्रीमंत मिसल तो वो मिसल खाने वाले है और उसका अलग से फूड व्लॉग बनेगा तो ये जो हिल है उसका टाइमिंग मतलब ऐसा कुछ नहीं है कुछ एक को पता है नहीं भाई सुबह 5:30 बजे आ जाओ गाइस मतलब 4:30 को घर से निकल जाना अगर आपके पास बाइक हुई तो बस तो इतना जब सुबह नहीं रहेगा मैं तो बोल रहा 5 बजे आओ और यहाँ पे सन राइज देखो आपको बहुत मजा आएगा और पानी का बॉटल लेते हुए आना तो ऐसा कुछ ऐसा टाइम नहीं है यहाँ लो हल्लू गिरेंगे तो और कुछ पार्किंग फीस भी नहीं है यहाँ पर पार्किंग फी नहीं है एंट्री फी नहीं है तो बिंदास आ सकते हो और वह पीछे देख सकते हो ना मतलब हम जस्ट स्टार्टिंग में वो ये ऐसे प्ले एरिया में आए थे तो यहाँ पर ही छोटा सा मंदिर है देख रहे हो तो मेरे को यही लग रहा है कि विट्ठल मंदिर है अभी मैं उधर नहीं जा रहा क्योंकि मेरे पैर दर्द कर रहे हैं अब ताकत नहीं बची अभी पेट पूजा करेंगे डायरेक्ट पेट पूजा फिर काम चढ़वाए ये देख रहे हो भाई हम जब आए थे तो मतलब पार्किंग एकदम खाली थी और अब कितनी ज्यादा भर गई है मतलब मेरे को लगा था शाम में भरती होगी पार्किंग पर अभी अंधेरा हो रहा है तो पार्किंग बहुत फुल है एकदम उल्टा यहाँ पे तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरे बाकी के पुणे के व्लॉग्स देखने मैंने काफी सारी जगह कवर करके रखी है तो अगर आपको वो देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने ये व्लॉग पूरा देख ही लिया है तो पाषाण लिख का देखो या फिर बांदेरी का लिखो तो वो जो दो व्लॉग्स है वो इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी और अगर आपको पुणे के फूड व्लॉग्स देखने हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में टिल देन चैतन्य पिंपुटकर साइनिंग ऑफ बाय बाय Cause I still think of you now like nothing has changed भाई मैं एक सीन के लिए 4 बार चल के आया हूँ ये कैमरा उठाने के लिए अब भाई क्या वो कोई तो सर है वो कोई तो उसका मीम बनाता देख ना दबा के लाइक और शेयर ठोक दो जय महाकाल ठीक है एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा ऐसा नहीं चलेगा